प्रश्न किया कि अगर पति कमाए और पत्नी घर पे बैठ के खाए तो ये होता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि पत्नी कमाए और पति घर में बैठ के खाए? पति घर बैठे नहीं खा सकते पत्नी की कमाई। पत्नी की कमाई खाना है मानसिक क्रूरता। पत्नी पर क्यों लागू नहीं होती ये शर्त? कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्यों कहा पत्नी नहीं कामधेनु गाय? कुछ दिन पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले पर सख्त टिप्पणी की है। कहा है कि पति अगर पत्नी के साथ कामधेनु गाय यानी कि कैश काउ की तरह व्यवहार करता है तो ये मानसिक क्रूरता है। मतलब साफ है कि पुरुष घर बैठकर अपनी पत्नी की कमाई नहीं खा सकता, उसे पैसे कमाने का सिर्फ जरिया नहीं बना सकता। कोर्ट ने इस मामले में तलाक तक की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर पत्नी घर बैठकर पति की कमाई खाती है, उसकी कमाई पर निर्भर होती है, तो उस पर ये शर्त लागू क्यों नहीं होती? इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अशोक अरोड़ा से। तो आइए जानते हैं उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। कि ये बेसिकली उन दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर पत्नी को ये लगता है कि पति घर का अच्छा काम काज सब कुछ कर रहा है, बच्चों की देखभाल कर रहा है, बाकी जो काम होते हैं एक महिला के वो सब कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अगर पत्नी को ये लगता है कि वो एक्सप्लॉयट कर रहा है, जो आपने फ्रेज यूज़ किया कि काम धेनु गाय या कैश काउ अगर यूज़ कर रहा है, तो पत्नी को अगर लगता है कि वो प्रताड़ित कर रहा है या क्रुएल्टी है ये, तो पत्नी के पास राइट है डिवोर्स फाइल करने का। अशोक अरोड़ा से ये तो जान लिया कि पति की कमाई पर अगर पत्नी निर्भर करती है तो ये क्यों सही है, और पत्नी की कमाई अगर पति घर बैठ के खाता है तो ये क्यों सही नहीं है। लेकिन ये पूरा मुद्दा कहाँ से उठा, क्या है पूरी कहानी, ये भी आपको बता देते हैं। बात साल 1999 की है। 1999 में एक दंपति की शादी हुई, 2001 में एक बच्चा हुआ और 2017 में तलाक की याचिका दायर की गई। लेकिन ये नौबत तलाक तक कैसे पहुंची ये भी बता देते हैं। दरअसल मुद्दा कुछ इस प्रकार है कि पति का परिवार आर्थिक संकट में था। लड़ाई झगड़े और कर्ज चुकाने की वजह से पत्नी ने दुबई में नौकरी कर ली। उसने पति के नाम पर एक खेत खरीदा और साल 2012 में एक सैलून भी खुलवा दिया। लेकिन पति ने फिर भी खुद को फाइनेंशियली मजबूत नहीं किया। कहते हैं ना कि उसको आदत हो गई थी कि पत्नी कमा रही है तो उसका खर्च चल रहा है, उसने खुद को फाइनेंशियली मजबूत करने की नहीं सोची। साल 2013 में परिवार वापस से भारत लौट आया। अब तक महिला ने करीब 60 लाख रुपए अपने पति को दे दिया था। बात जब बहुत ज्यादा बढ़ गई, पति ने जब खुद को बिल्कुल भी फाइनेंशियली मजबूत करने के बारे में नहीं सोचा, तो बैंक के तमाम डिटेल्स निकाल के कोर्ट के सामने एक याचिका पेश कर दी गई। जब हम महिला और पुरुष दोनों को बराबर समझते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पत्नी काम कर रही है। कई बार पत्नी ऐसी पोजीशन पे होती है और पति अगर उसमें काम में, घर के काम में और सारे काम अच्छे से कर रहा है और पत्नी को भी सेटिस्फेक्शन है, दोनों का आपस में प्यार मोहब्बत में हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा तो फिर वो बड़े अफसोस की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने भी आज तक यही फैसले दिए हैं कि क्रुएल्टी जो है ये एक मेंटल स्टेट है। आप नहीं बता सकते ये है कि नहीं है, उस शख्स को पता है, जिस तन लागे उस तन जाने। तो चलिए, थैंक यू, आई थिंक मैसेज इज क्लियर। थैंक यू, बाय।